गंगा घाट के किनारे बसे हुए लोगों को सूचित किया जा रहा है कि आप लोग गंगा जी में शवों को जल प्रवाहित नहीं करेंगे बल्कि दाह संस्कार करेंगे। दाह संस्कार के अलावा कोई भी जल प्रवाहित नहीं करेगा। आप लोग भी ध्यान रखें, यदि बाहरी लोग ला करके कोई जल प्रवाहित करता है उसे जागरूक करें, नहीं मानता है हम लोगों को सूचित करें। राजस्व टीम व हमारी पुलिस टीम गंगा के तटों पर बराबर निगरानी कर रही है, सूचित करें। यदि कोई गरीब असहाय है जिसके पास दाह संस्कार की व्यवस्था नहीं है तो वह स्वयंसेवी संस्थाओं को या हम लोगों को सूचित करें, उसको समुचित व्यवस्था की जाएगी। किसी भी दशा में जल प्रवाह नहीं किया जाएगा। आप सभी को सूचित किया जाता है कि प्रशासन द्वारा सभी शव को दाह संस्कार की व्यवस्था घाट पर की गई है। कोई भी व्यक्ति शव को जल प्रवाह न करे। सभी घाटों पर मौजूद शव जलाने वालों को भी सचेत किया जाता है कि शव को पूरा जलाने के बाद ही हटें। जिनके शव जलाने की व्यवस्था नहीं है, लकड़ी आदि नहीं है, प्रशासन द्वारा उनकी व्यवस्था निःशुल्क की जाएगी। शव को जल प्रवाह करके गंगा को प्रदूषित न करें। कोविड 19 के नियमों का पालन करें। महामारी संकट में पुलिस प्रशासन का सहयोग दें। गंगा में कुछ जो जल प्रवाह के लिए भी लोग आते थे उनको भी आपने स्क्रीनिंग की है? इसके लिए हमने अपनी पेट्रोलिंग टीमें गठित कर रखी हैं और हमारी टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। उसमें जो बोट से हमारी पेट्रोलिंग कर रही है टीमें हैं, हमने उनको लाउड स्पीकर भी दे रखा है। लाउड स्पीकर से हम लोगों में ये अवेयर कर रहे हैं कि लोग डरे नहीं, भयभीत न हों और अंत्येष्टि स्थल पर जब भी जाएं, गंगा के किनारे जो अंत्येष्टि स्थल बने हैं तो शव को पूरी तरह से अंत्येष्टि करने के पश्चात ही जो उसका राख या उसके जो अवशेष होते हैं उसको विसर्जित करें। बिना जले हुए डेड बॉडी को गंगा में विसर्जित करने का प्रयास न करें। इसी को लेकर के हमने जो वहाँ डोम होते हैं जो जलाने का जो जलाने में सहयोग देते हैं लोगों को, हमने पुलिस और अपने लोकल ऑफिसर्स के माध्यम से उनको भी ट्रेन करने का प्रयास किया है और उनको सचेत करने का भी प्रयास किया है कि वो लोग भी लोगों को ये बताएं कि बिना पूरी डेड बॉडी को जलाए हुए वो गंगा में प्रवाहित न करें, और यदि वो करते हैं तो निश्चित रूप से वो गलत है, अनुचित है। कृपया गंगा की निर्मलता को बनाए रखें।